बैठी हुई हैं और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो महिला कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं वो इस वक्त मौजूद है और बहुत ही गजब का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मंच पर विराजमान, हमारी मातृशक्ति, भारत सरकार में मंत्री रहे ऐसे हमारे आदरणीय नेतृत्व, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा की अध्यक्षा, और यहां इतनी बड़ी संख्या में हर्षोल्लास से ओतप्रोत हमारी मातृशक्ति, जो आज अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए यहां पर एकत्र आई है, आप सब की ओर से और लाखों बहनें जो इस कार्यक्रम को टेलीविजन के माध्यम से, डिजिटल दुनिया के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं, उन सब की ओर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सब लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। यह हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी है जो इतिहास में आगे चल करके दर्ज होगी और लंबे समय तक याद किया जाएगा। ऐसे घड़ी का, ऐसे क्षण का हम उसके चश्मदीद गवाह हो यह हम सबका सौभाग्य है। यह ऐतिहासिक घड़ी, यह भावनाओं से भरी हुई घड़ी, यह भावुक कर देने वाली घड़ी जिसका हम सब लोगों को लंबे समय से इंतजार था, वह संभव हो पाया तो दूरदृष्टि, अटूट निश्चय और पक्के इरादे के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नारी शक्ति वंदन विधेयक को समय पर ला करके जो पारित कराया है इसके लिए भी हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं अनेकों कदम उठाए हैं, और यही नहीं देश के बहुत लंबे समय से लंबित समस्याओं का भी निराकरण आपने प्रजातांत्रिक तरीके से करने में आप हमेशा सक्षम रहे और आपने उसको भी पूरा किया है। अगर हम याद करें तो जो हम 52, 53, 54 में धारा 370 की बात करते थे, ये आपका अटूट निश्चय, आपकी दूरदृष्टि और आपकी इच्छा शक्ति का परिणाम है कि धारा 370 समाप्त हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग के दृष्टि से स्थापित भी हुआ, यह हम सब लोगों ने देखा। अगर हम बात करें हमारे फौजी भाई वन रैंक वन पेंशन की बात करते थे, किसी ने राहत नहीं दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको भी हमको करके दिया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन, ये कभी सोचा भी नहीं था, उसको भी पूरा करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक से हमारी मुस्लिम बहनों को निजात दिलाने का काम जो लंबे समय से लंबित था, किसी में भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस कार्य को कर सके। हमारे विरोधी दल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन आपने भी, आपने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से निजात दिला करके उनको भी आपने आजाद किया, ये हम सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में महिलाओं को पहले से ही अपना पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिए कटिबद्ध रही है। यह भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 33% आरक्षण केंद्र स्तर के समिति से लेकर के बूथ स्तर के समिति तक महिलाओं को आरक्षण देने में अकेली और पहली पार्टी है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
आपने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए। मैं एक दो कार्यक्रम का जिक्र करूंगा। स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें 12 करोड़ बहनों को आपने इज्जत घर देकर के, जो उनका इज्जत और उनकी जीवन के डिग्निटी से इज्जत के साथ जीने का जो रास्ता आपने दिखाया, जिसके लिए यूनिसेफ ने भी आपको गेम चेंजर का के दृष्टि से कहा कि ये गेम चेंजर साबित हुआ है। उसी तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि हर साल इस कारण से कम 3 लाख बच्चों की जानें बच रही हैं, इसको भी हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 69% मलकियत प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण में महिलाओं को मिली है। यह महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। और जल जीवन मिशन में हमारे नोबल लॉरिएट माइकल क्रेमर कहते हैं कि यह लगभग 1.5 लाख लोगों को जीवन दान देने वाला ये कार्यक्रम चल रहा है, इसको भी कहा गया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि डायरिया से 4 लाख बच्चों की जीवन की लीला बची है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और कल का ऐतिहासिक दिन, नई संसद भवन में गणेश उत्सव पर पहले लोकसभा से निर्विघ्न वह प्रस्ताव पारित हुआ और संविधान का संशोधन हुआ, और कल देर रात राज्यसभा से भी वह पारित होकर के वह एक सच्चाई के रूप में हम सबके सामने आया। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ मैं यही कहूंगा कि एक पर एक ऐतिहासिक घटनाएं आपके नेतृत्व में हो रही हैं, एक से एक ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं, और यह निर्णय मातृशक्ति को जितनी शक्ति देगा वो भारत की तस्वीर और तकदीर को और दृष्टि और दिशा को बदलने में बहुत बड़ा कारगर कदम होगा, यह भी हमको ध्यान में। इसलिए पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं जेपी नड्डा का संबोधन, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन शुरू होगा। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे बीजेपी कार्यालय से, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत करता हूं।